खेसारी लाल यादव के लिए जहां एक पल के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो दूसरे पल के लिए ही मुश्किलें एकदम खत्म हो जाती हैं। अब खेसारी अपने उग्र रूप में आए हैं। आप ये कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव ने शायद अब गेम खेलना शुरू किया है। खेसारी के सबसे बड़े दुश्मन अगर बिग बॉस में कोई है तो वो कोई और नहीं सिद्धार्थ शुक्ला है। सिद्धार्थ शुक्ला से आए दिन उनकी लड़ाई होती ही रहती है किसी न किसी बात को लेकर। अब आपको बता देते हैं कि किस बात पर सिद्धार्थ और खेसारी फिर से भिड़ गए। बात ये थी कि किचन एरिया में बहुत सारे लोग थे। खेसारी ने वहां किसी से चाय मांगी। अब ये चाय उन्होंने भोजपुरी भाषा में मांगी। एज यूजुअल जिसकी जो लैंग्वेज होती है वो बोलता ही बोलता है। इस बात को लेकर खेसारी को तुरंत सिद्धार्थ शुक्ला ने ये कहा कि खेसारी को कि आप भोजपुरी में नहीं हिंदी में बोलिए। तब तुरंत पहली बार खेसारी ने सिद्धार्थ शुक्ला को रिप्लाई देते हुए ये कहा, आप दिन भर इंग्लिश पटर पटर करते हैं, तब तो मैं आपको नहीं कहता कि आप हिंदी में बोलिए। आप मुझे कौन होते हैं बोलने वाले कि मैं हिंदी में बात करूं। इस पर बात बढ़ती गई। कभी सिद्धार्थ ये कहते कि हमें भोजपुरी समझ में नहीं आ रही है, तो कभी सिद्धार्थ ये कहते नजर आते कि आप इस घर के मालिक नहीं हैं। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को ये कहते नजर भी आ रहे हैं खेसारी लाल यादव कि हम मालिक कहाँ हैं, हमने तो ये कहा ही नहीं। यानी कि ये गर्मा गर्मी काफी देर तक चलती रही और घर के लोग ये देखकर दंग रहे कि खेसारी लाल यादव ने पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, ये बात और है कि ये दोनों बाद में शांत हो गए, लेकिन घर वालों के लिए एक और ऐसा कंटेस्टेंट तैयार हो गया जो शुक्ला के अगेंस्ट इस कदर धावा बोल सकता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।